शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार की तरह आज फिर आप हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Aaj Alhamdulillah, o drak aaj thandan bhi hai, o sayadan bhi hai. Aaj usne phal dena jo. आज तो हम भी निकल रही है और नवे पौधे भी उग रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया जब मैं वजीर था, ये बात आप गौर से सुन लें, ये आप पर लागू होती है। वो कहने लगे 1973 में जब इसराइल और अरबों की जंग हुई तो इसराइल ने बड़ी ताकतवर अरब कौम को हरा दिया, तो पेशावर यूनिवर्सिटी में बहुत अरबी तालिबे लड़के और लड़कियां आया करते थे यहां पढ़ने के लिए सैकड़ों की तादाद में। तो उस जंग के बाद किसी अहम अरब मुल्क का सफीर आया, उसने वाइस चांसलर साहब से टाइम मांगा कि इन सब अरब लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा करो कॉन्वोकेशन हॉल में और मैं इनसे खिताब करना चाहता हूं। तो वीसी साहब कहते हैं हम भी स्टूडेंट थे, हम भी चले गए कि देखें ये अरबी आपस में क्या बात करना चाहते हैं। तो जब तकरीब शुरू हुई तो वीसी साहब जो उस वक्त बीसी थे वो खड़े होकर तारफ कराने लगे, तो सफीर साहब ने कहा कि जी मुझे छोड़ें, ये मेरी कौम है, मेरी औलाद है, मैं इनसे खिताब डायरेक्ट करूंगा। और उन्होंने बात की कि बच्चों बात सुनो, खाबे खरगोश से निकल आओ, हम मुसलमानों और खसूसी तौर पर अरबों पर बदतरीन वक्त है, 1500 साल में बदतरीन वक्त से हमारी कौम गुजरी है। 1948 में ये इसराइल बना है और सदियों से कायम उम्मत मुस्लिमा और ये अरब कल्चर हमें उसने शिकस्त दी है और ये शिकस्त आइंदा भी देते रहेंगे। और उसकी वजह फिर उसने बताई कि जो अमेरिका की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो टॉप के प्रोफेसर हैं वो सब यहूदी हैं और वो टॉप के प्रोफेसर अमेरिका में पास करने का जो औसत है वो 45% है। वो अमेरिका यूरोपियन हबशी अफ्रीका दुनिया के हर तालिब इल्म को 45% पे पास करते हैं इम्तिहान में, लेकिन जो यहूदी तालिब इल्म है, चाहे वो इसराइली है या नहीं है, जहां पे भी यहूदी तालिब इल्म जिस मुल्क से आया हुआ है उन टॉप यूनिवर्सिटीज में, उसको वो 59% पे फेल करते हैं। 60% से कम अगर नंबर ले उसको बहाना बनाकर फेल कर देते हैं। आपको समझ आई इस बात का मकसद क्या था? उन्होंने अपने बच्चों के लिए मेरिट इधर रखा हुआ था कि उस मेरिट पर आओगे तो तब क्वालिफाई कर सकोगे। और आज आप देख लें, अगर नौजवानों आप ये समझते हैं कि आपके वालदैन आपको सेमेस्टर की फी देते हैं, आप इधर आकर पढ़ के और बस किसी तरह पास होकर निकल जाएं, तो आप हक अदा कर रहे हैं। मैं माजरा चाहता हूं, आप हक अदा नहीं कर रहे, ना वालदैन का ना कौम का। आप फोकस से शौक से पढ़े। मुझे याद है जब मैं एएनपी में था तो ये पुख्तून स्टूडेंट्स वाले मेरे बहुत ज्यादा करीब थे। वो लड़के
के जो नारे मारते थे पेशावर यूनिवर्सिटी से आके हमारे साथ हर जगह फिरते थे और ऐसे लगता था कि बस ये सारे शुगल में जिंदगी गुजारेंगे। कोई जापान चला गया वहां से पीएचडी करके वापस आ गया, कोई यूरोप में चला गया। मकसद कहने का एक तालीम को उन्होंने आसान नहीं लिया, आप लोगों ने भी नहीं लेना। हजारा स्टूडेंट्स फेडरेशन की वजह से मुझे मौका मिल गया आपसे खिताब करने का। पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आप लोग हैं, आपसे छोटे हैं। हम बातें करने वाले रह गए, हम मुझे वोट देने वाले, मेरी बात समझने वाले बहुत थोड़े रह गए। अब फैसला आप लोगों के पास है, आप अपने आप को बराए मेहरबानी इंप्रूव करें और बगैर इस सोच के कि मेरा मुझे कल नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं एमएनए से एमपीए से सिफारिश करवाऊंगा। आप अपने आप को अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएं, पॉलिश करें। एनपी वाला भी जमीयत वाला भी जो है वो हमारे लिए सब बराबर है, हमारा काम है आपको गाइड करना और दुआ देना। मेरी जो दिल से आपके लिए दुआ है कि आपके वालिदैन ने आपके बारे में ख्वाब देखे हैं, कल आपके बच्चे होंगे तब आपको ये बात समझ आएगी। इस वक्त को जाया मत करना, सारी दुनिया का वक्त आपको मिल जाएगा बच्चों, ये टाइम आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये आपका बेस्ट टाइम है, इसे गोल्डन टाइम बना दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्त की किल्लत की वजह से काजी मोहम्मद असद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एचएसएफ के चेयरमैन साहब जनाब उमर जवैद साहब को शील्ड पेश करें। मैं सदर हजारा स्टूडेंट फेडरेशन हुसैन शाह साहब, सबका सदर हजारा स्टूडेंट फेडरेशन मुअज्जम हान साहब, मौजूदा चेयरमैन सबका सदर हजारा स्टूडेंट फेडरेशन जनाब सैयद आकिब शाह साहब, आप तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। दोस्त सबका ब्लड सेक्रेटरी जनाब मलक काशवान साहब, बहुत ही प्यारे दोस्त जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, आपने हजारा स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से अंथक दिनों रात मेहनत करके मुख्तलिफ जगहों पर ब्लड डोनेट करवाया। आपको हिराजे तहसीन पेश करते हुए आपके भाई मलक रुकमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और मलक का श्वान पर होम की शील्ड वसूल करें। जनाब मलक रुकमान साहब, एसएफ के मेंबर और ब्लड सेक्रेटरी, मौजूदा ब्लड सेक्रेटरी, आपको हम दिन हो रात हो जिस वक्त आवाज दें आप लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं। आपका मैं पर्सनली बहुत शुक्रगुजार रहता हूं इस मामले में कि वक्त नहीं देखते, भूल की जब जरूरत पड़ती है आपको हल्का सा मैसेज भी काफी होता है और आप अपने काम के लिए लब्बैक कहते हुए हाजिर होते हैं। जनाब मलक उस्मान साहब, आप आए और अपनी शील्ड वसूल करें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये नाइट कल्चरल नाइट है, दुनिया भर में पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में हजारा के कल्चर को प्रमोट जो कर रहे हैं अपने लोक गीतों की वजह से, मैं क्या उनका तारफ करवाऊं, उनको इन नारों की गूंज में स्टेज पर मधु करूंगा। मेरी मुराद जनाब शकील अवान साहब हैं, जरा मेरे साथ मिलके नारों का जवाब दीजिए। कोई सुर्ख गुलाब
सुर्ख गुलाब तेरा जरज मैं पीवा वो कद डोल शराब होया मेरी जिद जान माई हर कला ओ मैं तेरे कुर्बान माई हर कला मेरी जिद जान माई मेरी